हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का श्रेया डिज़ाइन में बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम बनाएंगे ये कान्हा जी के लिए। मेरे पास हैं ये 01 नंबर के कान्हा जी। तो आप दो साइज के लिए सेम इसी साइज़ से पोशाक बना सकते हैं। तो हमने ये हल्की फुल्की सर्दियों के लिए कान्हा जी के लिए बनाई है, जैसे कि अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए। आगे भी मैं बहुत सारी ड्रेसेस डालने वाली हूँ बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। साथ ही हम इसकी कैप भी बनाएंगे बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। तो आप देख सकते हैं पोशाक और हमारी कैप कान्हा जी के कितने परफेक्ट आई है, कितने अच्छे से आई है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये पोशाक लग रही है। आई होप गाइस आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर ये दो कलर का फैब्रिक लिया है। ये मैंने वेलवेट ली है, एक तो ग्रीन है और एक येल्लो है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पट्टियों को बीच से, मैंने 8-8 इंच की लंबाई की ये पट्टियाँ ली थी। टोटल ये हो गया है 16 इंच और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है 2.5 इंच। तो हमने इस तरीके से अपनी पट्टी को बीच से स्टिच करके दो कलर में ले लिया है। अब नेक्स्ट मैंने ली है ये चोली, साथ ही मैंने इसके साथ अस्तर भी लिया है। तो ये देखिए, 2.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई और 4 इंच की इसकी लंबाई ली है। तो हम इस तरीके से अपनी चोली के फैब्रिक को एकदम इक्वल अच्छे से सेट करके रखेंगे, बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको पहले इकसार कर लेना है। अगर ये अस्तर इधर उधर हो रहा है तो उसको आप फिनिशिंग से इकसार कर लें। ये देखिए, इस तरीके से रखकर इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे, तभी हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, कटिंग तभी करेंगे। बहुत छोटी सी हमें नेक कट करनी है, क्योंकि हम ये 01 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप 00 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये चोली आई है। अब क्या करेंगे, इसे हम बीच से भी कट कर देंगे। तो गाइस, बहुत ही इजी तरीका है, आसान तरीका है। तो ये देखिए, हमने इसको बीच से भी कट कर दिया। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर ड्रेस और चोली रेडी। मैंने येलो कलर का फैब्रिक लिया है, 2 इंच इसकी चौड़ाई है, 6 इंच इसकी लंबाई है। ये हमारी नेफे के लिए पट्टी कट की है। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए, कैप के लिए 4.5 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हमने कैप के लिए फैब्रिक कट किया है। तो बहुत ही ईजिली हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब क्या करना है, इस तरीके से आपको उल्टी साइड से इस तरीके से इसको एकदम अस्तर के साथ में, लाइनिंग के साथ में, इस तरीके से एकदम सेट करते हुए स्टिच करना है। आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी चिकना फैब्रिक होता है वेलवेट का, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो भी जाती है, खिसकता है। तो ये देखिए, मैंने पहले दो बार यहाँ से इसको पक्का किया है। पक्का करने के बाद में हम साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे, तो बहुत ही ईजिली लग जाएगी। जहाँ पर ग्रीन कलर था मैंने वहाँ पर ग्रीन से, और जहाँ पर येलो है वहाँ पर मैंने येलो से सिलाई लगाई थी, टॉप स्टिच जो लगाते हैं। तो हम ये देखिए, इसको इस तरीके से पहले फिनिशिंग करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से हम पलट लेंगे। ये देखिए, इसकी साइडों को अच्छे से, कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे बहुत ही बढ़िया से। तो ये देखिए, कॉर्नर निकालने के बाद में अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो जो मेरी नीचे की साइड, यानी कि येलो फैब्रिक की साइड सिलाई आएगी, वो आएगी येलो कलर की सिलाई, ऊपर ग्रीन दिख रही होगी आपको। तो इसी तरीके से अब ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, बाकी की अब हम यहाँ से सीधा ग्रीन कर देंगे। तो मैंने नीचे डाल रखा था ग्रीन कलर का और ऊपर येलो कलर का। तो इस तरीके से हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम एक टॉप स्टिच यहाँ पर ऊपर की साइड भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये वेलवेट अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने एक सिलाई लगा दी है, फैब्रिक हमारा सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये देखिए गाइस, जितना भी एक्स्ट्रा का हमारा ये अस्तर फैब्रिक निकला हुआ है, उसको हम कट कर देंगे। गाइस, अगर आप मुझसे कोई भी ड्रेस परचेज करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी वीडियो में, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप इसलिए वहाँ से जाकर कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये देखिए गाइस, अब हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेटें डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम 00 या 0 नंबर के लिए बना रहे हो 00 के, तो 2 इंच तक आपको लेके आनी है कमर। 0 नंबर के लिए 2.5 इंच तक, 1 नंबर के लिए 3-3.5 इंच तक, आधा या 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो चलेगा, क्योंकि हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी प्लेटें डाल ली हैं बराबर से। अब यहाँ से कर देंगे उसकी फिनिशिंग, सारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से प्यारा सा हमारा ये छोटा सा घेर आया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आया है। तो मैं आपको इसकी कमर दिखा देती हूँ, ये 3.5 इंच के लगभग आई है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी उरेप की पट्टी लेंगे और उल्टी साइड से 1/2 इंच निकाल कर पट्टी को डबल फोल्ड किया हुआ है, और इस तरीके से फोल्ड करके हम स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगाई। सीधी सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़कर बाकी का फैब्रिक कट कर देंगे।
ये देखिए यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद में हाफ इंच फैब्रिक को अंदर फोल्ड करेंगे, बीच में डोरी डालेंगे, पहले कर लेंगे अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसकी फिनिशिंग, क्योंकि वेलवेट खुद से ही काफ़ी हैवी होती है, मोटी होती है, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखनी है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रख ली फिर कान्हा जी को पहनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल साइड में हमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच फैब्रिक को यहाँ से कट किया, हाफ इंच को अंदर फोल्ड किया और इस तरीके से अपने नेफे को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली और आसानी से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, डोरी को एक बार खिसका कर देख लें कि कहीं आपने डोरी तो नहीं सिल दी है। तो ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा के धागे भी कट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2x2 के दो फैब्रिक लिए हैं, यानी कि 2.5 इंच उनकी लंबाई है और 2.5 इंच इनकी चौड़ाई है। ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और साइड में लगा देंगे सिलाई। ये देखिए इस तरीके से पक्का करके दोनों साइडों में हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी डोरी सिक्योर हो जाएगी और वो आप जब कान्हा जी को पहनाओगे तो एक साइड नहीं खिसकेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए डोरी निकलने का तो अब सवाल ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लटकन बना दी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लटकन बनाएंगे। अब ये देखिए गाइस मैंने ली है यहाँ पर ये अपनी कान्हा जी की चोली, तो हम चोली स्टिच करेंगे। इसको इस तरीके से अस्तर के साथ में एकदम सेट करके रखेंगे बढ़िया से। चाहे तो आप इसे आलपिन से सिक्योर कर लें अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि वेलवेट काफ़ी फिसलता है, या फिर आपने कोई गर्म फैब्रिक लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस आपको वेलवेट में ही हो सकती है। तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसकी साइड में भी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ से धागों को कट कर देंगे। अब हम सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फैब्रिक को अपने सेट कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बहुत ही ईजिली हमारा ये हो जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये देखिए अगर आपको पोशाक का साइज या फिर पोशाक बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो गाइस आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से इसको खोल लेंगे। ये देखिए हमारी चोली सीधी हो जाएगी, पलट लेंगे, अस्तर हमारा अंदर की साइड हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही छोटी सी है चोली हमारी कान्हा जी की। ये देखिए इसको इस तरीके से खोल लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। चाहे तो इस पर आप एक बार प्रेस लगा दें या फिर सिंपल सीधा सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें। तो हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे धागे रेशे अंदर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्रा क्राफ्ट एंड क्रिएशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा का कट कर दिया था। कुछ इस तरीके से हमारी ये छोटी सी चोली आई है, बहुत ही अच्छे से ये बनी है। अब ली है मैंने यहाँ पर कैप, तो कैप में क्या करेंगे हम इस तरीके से ये देखिए सीधी स्टिच लगाएंगे एक। ये देखिए अच्छे से फैब्रिक को एकदम सेट करके सीधी स्टिच लगाएंगे। चाहे तो गोलाई आप कान्हा जी के सर से नाप लें पहले। ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा की कट कर देंगे और इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सिलाई हमारी अंदर चली गई दोनों, कान्हा जी हमारे ये रहे। अब इनको इस तरीके से हम लगा कर देखेंगे, आप देख सकते हैं लूज़ है। तो हम क्या करेंगे फिर से इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो हाफ इंच की हम सिलाई और लगा लेते हैं, फिर कान्हा जी को पहना कर देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक सिलाई और लगा देनी है पक्का करने के लिए। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा का हम फैब्रिक यहाँ पर कट कर देंगे, कान्हा जी को फिर से पहना कर देखेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हाथ से। अब कान्हा जी को लगा कर देखेंगे कि कैप हमारी किस तरीके से आई है। तो ये देखिए मेरे पास है ये 0 नंबर के कान्हा जी, कैप हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे से आई है। तो हमने एक्स्ट्रा का कट किया और इसको इस तरीके से फोल्ड करके कान्हा जी को पहनाना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारी ये कैप बन गई है। ये देखिए इसको हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे फिंगर से इससे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोलाई दे देंगे। अब हम इससे सुई धागे से स्टिच कर देंगे। ये देखिए गाइस कान्हा जी के कितने अच्छे से आई है। तो अब हम क्या करेंगे इसे सुई धागे से स्टिच करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया से हमारे कान्हा जी के ये आ गई है। तो अब हम यहाँ से इसकी टॉप स्टिच को, ये देखिए जो इसकी टोपी का ऊपर का सिरा है इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हाफ इंच छोड़कर हम यहाँ से सुई से इसको सर्किल में, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से टांके भरना स्टार्ट करेंगे और पूरे सर्किल में हमें इसी तरीके से टांके लेने हैं। ये देखिए घुमाकर एकदम, और यहाँ पर सारे फैब्रिक को इकट्ठा करके इसमें 4 से 5 बार राउंड राउंड टैप कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से सारे फैब्रिक को इकट्ठा किया और यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का करके स्टिच कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया से ये हमारी आ जाएगी। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी गाइस बनाने में। तो ईज़िली अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और पहनाइए।
तो ये देखिए हमारी कैप हमारी पोशाक बन गई है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको कान्हा जी को पहनाकर दिखाई थी। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो। तो ये देखिए गाइस कितने सुंदर हमारे कान्हा जी लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।